दोस्तों क्या आप भी मैंगो जूस या फिर माजा पीते हैं? जी हाँ, अगर आप इसे गलती से भी पीते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस गर्मी के सीजन में लोगों को आम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जिन लोगों को आम नहीं मिलता वो लोग मैंगो जूस, मैंगो शेक या फिर मैंगो ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप मैंगो जूस, मैंगो ड्रिंक या फिर फ्रूटी माजा पीते हैं उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया जाता है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैंगो जूस बनती है उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप चाहे तो उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो आम को सबसे पहले हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टिंग एड्स की मदद लेते हैं। नीचे के आमों को तो हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन ऊपर के आमों के लिए पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ऊंचाई के आम को आसानी से तोड़ा जाता है। और फिर आमों को तोड़ने के बाद एक ट्रम्पोलिन में फेंक दिया जाता है और फिर नीचे गिरे आमों में से स्टेम या फिर उनके डंडियों को तोड़ लिया जाता है। मैंगो खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होता है, पर जब आप आम की डंडी तोड़ते हैं तो उसमें से एक सैफ निकलता है और ये सैफ अगर आपकी स्किन में लग जाए तो आपकी स्किन जल सकती है, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। आम के तोड़ते ही 5 सेकंड के अंदर इसे टेम्पोलिन के अंदर फेंक दिया जाता है। आम को टेम्पोलिन के अंदर डालने के बाद इन पर केमिकल छिड़के जाते हैं ताकि आम जल्दी से ख़राब ना हो। इसके बाद इन आम को एक एलिवेटर लैडर के बाहर रख दिया जाता है जहाँ से ये आम एक बॉल बिन की ओर कलेक्ट होने के लिए जाती है। क्योंकि ये आम पके होते हैं, इनको डैमेज ना हो इसीलिए इनके नीचे एक फॉर्म शीट रख दिया जाता है। इसके बाद इन आम को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और इसके बाद इन आम को जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में आम को लाने के बाद इन्हें एक वॉशिंग प्रोसेस में भेजा जाता है। इसके बाद सेकेंड वॉशिंग प्रोसेस भी होता है जिसके साथ कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन आमों को फ्री हीटिंग में 3 से 5 मिनट के लिए रख दिया जाता है। ऐसे रखने से आम के फ्लेवर में और उसके कलर में काफ़ी इम्प्रूव होता है। इसके बाद इन आमों को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। कर्मचारी इन आमों से डैमेज आम को छांटकर बाहर निकाल देती हैं और ये सभी कर्मचारी इसी तरह आम को चेक करते रहते हैं और इस प्रोसेस में सभी कर्मचारी आम के टिप्स या फिर ऊपरी हिस्से को काट देते हैं। इसके बाद ये आम एक डेस्टोनिक मशीन में पहुँच जाती है। ये मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से आमों को अलग कर देती है और फिर इन आम को एक मशीन में डाला जाता है जिससे आम जूस में बदल जाती है। इन जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगाए जाते हैं। इन जूस को निकालने के बाद अब बारी है इन जूस को एक जूस डिग्रेडर में डालने की। ये मशीन आम के जूस में से एयर पार्टिकल्स को निकाल देती है। इस मशीन के अंदर जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस में रहता है। इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है, इसमें कुछ बड़े और छोटे पार्टिकल्स हैं जो आम के टेस्ट को बिगाड़ सकती है। इसके बाद इसे एक होमोजेनाइजर मशीन के अंदर डाला जाता है जिसे 20 से 25 बार होमोजेनाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल भी बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाते हैं। इसके बाद इन जूस को एक लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है जिससे इनकी सभी बैक्टीरिया मर जाती हैं। इसमें इसे 62 से 65 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इसके बाद इन जूस को बड़े बड़े स्टोर टैंक के अंदर डालकर स्टोर कर लिया जाता है ताकि आम का सीज़न ख़त्म होने के बाद भी कंपनी के पास जूस की कमी ना हो, क्योंकि आप जो जूस पीते हैं वो कम से कम 6 से 7 महीने पुरानी होती है। इसे इतने दिनों तक स्टोर करने का एक नुकसान भी है कि ये अपना फ्लेवर खो देती है, इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाना पड़ता है। इसीलिए नहीं कि ये असली मैंगो से बने हुए हैं बल्कि ये इतने दिनों में अपना फ्लेवर खो देती है। इसके बाद इसे बोतल में भरने के प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ आने पर एक ऑटोमेटिक मशीन बोतल के अंदर जूस को भर देती है और एक ऑटोमेटिक मशीन इनके कैप्स को लगा देती है। फिर इसके ऊपर कंपनी का स्टीकर लगा दिया जाता है जिसके बाद ये आपके घरों तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मैंगो जूस बनाने का प्रोसेस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा।
वैसे क्या आपको कोका कोला ज़्यादा पसंद है या फिर मैंगो जूस, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।